कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है सादिक सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, फर्स्ट पाकिस्तानी हिंदू गोइंग दिल्ली टू अयोध्या इन न्यू वंदे भारत। क्या बात है जी, एक तो पाकिस्तानी ऊपर से हिंदू है, फिर न्यू दिल्ली में है और फिर अयोध्या राम मंदिर के लिए जा रहा है और जा भी वंदे भारत पे रहा है। इतनी सारी चीजें एक इस व्लॉग में देखने को मिल रही हैं और इसकी इतनी ज्यादा डिमांड थी इस वीडियो की कि सादिक भाई इस पे जरूर रिएक्शन दीजिएगा। तो चलिए जी, हाजिर है आपके लिए ये जबरदस्त ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। लंच में हमें मिला है मिक्स वेज है, खाना काफी अच्छा है, बिल्कुल घर वाला फील आ रहा है। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। कहाँ जा रहे हो? अयोध्या जा रहे हैं। अच्छे से जय श्री राम के नाम लगाते हुए जानते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है राम जी की पावन धरती पे आकर। जय श्री राम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो फ्रेंड, इस वक्त मैं आ चुका हूँ दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से मैं जाने वाला अयोध्या। तो आप लोगों को जो है इस पूरी सारी जर्नी दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी पीछे यात्री जो है वो रेलवे स्टेशन पे अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है, तो देख सकते हैं ये है मॉर्निंग का समय और काफ़ी यात्री यहाँ पे जो रात को रुके हुए हैं, स्टे भी कर रहे हैं। ये है बाहर का व्यू और सर्दी भी काफ़ी हो रही है, काफ़ी ठंड पड़ रही है, तो मैंने भी जैकेट वैकेट पहन लिया है और अपना सामान वाला बैग इसमें रखेंगे और आगे की तरफ से उठाएंगे और इस तरफ से उठा रहे हैं। ट्रेन भी आ चुकी है वंदे भारत मेड इन इंडिया ट्रेन। ये है रेलवे स्टेशन का व्यू। सो फ्रेंड्स, अभी हम न्यू दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और ये है वंदे भारत ट्रेन जो कि मेड इन इंडिया ट्रेन है और यहाँ से अब हम जाने वाले अयोध्या धाम की तरफ। ये है वंदे भारत ट्रेन जो कि मेड इन इंडिया है और अंदर से लुक जो है वो बहुत मस्त है, फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस करने वाला हूँ मैं। और अभी हम खड़े हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ, तो देख सकते हैं मॉर्निंग का समय है और 5:36 हो रहे हैं और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं अयोध्या धाम की तरफ। तो आप लोगों को जो है रेलवे स्टेशन भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके का रेलवे स्टेशन है दिल्ली का। देख सकते हैं सभी यात्री इंतज़ार कर रहे हैं अयोध्या धाम जाने के लिए। ये है ट्रेन, ये फर्स्ट केबन है। तो फ्रेंड, दिल्ली और अयोध्या तक की आपको पूरी जर्नी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है और कमेंट्स में लिख देना जय श्री राम। फ्रेंड्स, 5:47 हो चुके हैं और अब जो ट्रेन के दरवाजे खोल दिए गए हैं आम पब्लिक के लिए, अब वो धीरे धीरे जाके अपनी सीट्स पे बैठ सकते हैं। जय श्री राम। फ्रेंड्स, फाइनली ट्रेन के अंदर एंटर कर चुके हैं और ट्रेन अंदर से काफ़ी खूबसूरत और बहुत बढ़िया है, साफ सफाई का ख्याल रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को जो अंदर से भी ट्रेन का व्यू दिखाता हूँ। देख सकते हैं इस तरह के यहाँ पे गेट वगैरह हैं जो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और ये भाई यहाँ का व्यू। खुल चुका है डोर, चाहे आगे की ओर काफ़ी रेलवे के अंदर साफ सफाई का ख्याल रखा हुआ है और सीट भी कंफर्टेबल है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बैठ चुके हैं अपनी सीट पे और सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, तो पहन लेन भी चल सकते हो
और ये है कुछ ऐसा सिस्टम। और अभी हमें खाने वाले सैंडविच जो कि हमने बाहर से परचेस किया था, गाड़ी वाले देंगे, लेकिन अयोध्या से मतलब दिल्ली से जा रही है अयोध्या की तरफ, तो कानपुर जब पहुँचेंगे तब खाना मिलता है। और ये केसर वाला दूध, क्योंकि बच्चे जो काले हों वो ये दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है कुछ, तो फ्रेंड्स ट्रेन अभी जा रही है 150 की स्पीड से, लेकिन फील नहीं हो रहा, ऐसे लग रहा है जैसे नॉर्मल स्पीड में जा रही है। काफ़ी कम्फर्टेबल है। तो गाइस इसमें आप न्यूज़ पेपर का भी आनंद ले सकते हैं, आनंद विहार से चले ना इसकी आनंद ले सकते हैं। मेरी हिंदी कटिना गैप की तरह भाई, सॉरी गाइस अभी टाइम हो चुका चाय का, तो थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है इस वजह से मैंने कैप पहनी हुई है। और अभी चाय का समय हो चुका है, तो ये मिली है पाउडर वाली चाय, जिंजर वाली, और इसको जो मैंने गर्म पानी के अंदर मिक्स करके चाय बना दी है। और टेस्ट करता हूँ, अच्छा टेस्ट है। और ये बिस्किट मिले हैं, तो जिसने चाय पीनी आ जाओ भाई, ये सभी लोग चाय पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी खाने का समय हो चुका है, तो खाना देने वाले भाई आ चुके हैं। तो खाने में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये जिंजर वाली चाय है जो ऑलरेडी हमने पी ली है, और ये केक है, और ये है दही, और ये है कटलेट, और ये आलू की सब्ज़ी है, और ये है पूरियाँ, चार पूरियाँ हैं। पूरियों से मेरे को पता नहीं क्या क्या होगा, बट आज ट्राई करूँगा। और केचप भी है, एक चम्मच भी है, और ये सबको खाना दिया जा रहा है। पहली बार सफ़र कर रहा हूँ मैं वंदे भारत ट्रेन से, और खाना टेस्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया टेस्ट है कटलेट का। ये चम्मच लकड़ी का, अच्छा है। तो गाइस आप भी आ जाओ खाना खाने। सो फ्रेंड्स फाइनली हम कानपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 2 मिनट रुकी है, बाहर जाने का मौका भी नहीं मिला, वरना मैं आप लोगों को स्टेशन दिखाता, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। सो गाइस अभी नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है लखनऊ। खाना काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल घर वाला फील आ रहा है, जैसे घर का बना खाना है वैसे खाना लग रहा है। और इस तरफ सभी लोग खाना वाना खा रहे हैं, तो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स अभी पहुंच चुके हैं लखनऊ, और ज़्यादा दूर नहीं जा सकते बिकॉज गाड़ी 1 से 2 मिनट रुकती है। और ये है लखनऊ का स्टेशन, गाइस अंदर आ चुके हैं बिकॉज गाड़ी सिर्फ 2 मिनट रुकती है, और इसको अभी ऑटोमेटिक डोर है, तो खुलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, इससे बेटर है कि हम चलते हैं वापस। और यहाँ पर जो सभी डोर है वो लॉक होती है, इस तरीके से प्रेस करोगे तो खोलेंगे। सो गाइस अभी हम लखनऊ क्रॉस कर चुके हैं, और सुबह हम 6:10 से जो वो आनंद विहार दिल्ली से ट्रेन हमारी चली थी, वंदे भारत ट्रेन, जो कि मेड इन इंडिया ट्रेन है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, मतलब कि ऑटो लॉक जो है वो डोर होते हैं, मतलब डोर जो है ऑटो लॉक होते हैं, और इसके जो स्टॉप्स वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और इस गाड़ी के अंदर आप चार्ज भी कर सकते हैं। और दिल्ली से जो है वो अयोध्या के लिए फर्स्ट एसी का 1500 रुपये रेंट है, उसके अंदर आपको फर्स्ट टाइम जो है मॉर्निंग में जो है वो 8 बजे के करीब चाय मिलेगी, उसके बाद पानी दिया जाएगा, उसके बाद जो है वो ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, वो आप लोगों को मैंने दिखाया था, और उसके बाद जो है फिर लंच का टाइम आएगा, वो भी आने वाला है। तो अभी जो हम लखनऊ से क्रॉस करके आगे बढ़े अयोध्या की तरफ, और मैं आपको जो है इस गाड़ी के जो जो फीचर्स है वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ये है ट्रेन के अंदर के व्यू, काफ़ी साफ़ सफाई है, और अभी लंच का टाइम हो चुका है, तो सब लोगों को जो है लंच दिया जा रहा है, और जगह जगह आपको जो है ऐसी LCD मिलेगी, इसके अंदर पूरा रूट दिखाया गया है, और टाइम और स्पीड जो है वो चलती रहती है। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेशन है वो आने वाला है अयोध्या धाम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम भाई, कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले भी आप गए हैं या फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। ठीक है, ओके। बट टेबल पूरा जो है हम अच्छे से जय श्री राम के नाम लगाते हुए जाते हैं। फिर अयोध्या खाना आज का है हमारा, और इस तरफ जो खाना पैक किया जा रहा है, बिल्कुल ही साफ सफाई के साथ खाना हमारा पैक किया जाता है। और ये देखें, और ये हमारे मैम है, देख लो गाइस
ट्रेन है और फुली जो है वो ऑटोमेटिक डोर होते हैं, ये आप प्रेस करोगे तो खुल जाएंगे, प्रेस करते हैं डोर जो खुल जाते हैं। और जगह जगह आपको चार्जिंग सॉकेट दिए गए हैं तो आप इजीली अपना सेल फोन चार्ज वगैरह कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, तकरीबन 150 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन भागती है, लेकिन फील नहीं होता कि मतलब कितनी स्पीड के साथ जा रही है। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है फ्रेंड, देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है मैम आपका? कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। कहाँ जा रहे हो? अयोध्या जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हो? पहले भी गए हो? पहली बार जा रही हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत, मुझे रातों में सपने आने लगे थे राम जी के। अच्छा, मतलब आप बहुत बड़े राम भक्त लग रहे हो। बहुत बड़ी। अच्छा, राम जी के पास दर्शन करके मुझे फाइनली मेरे को ऐसे तसल्ली। अच्छा, मिलेगी। तो आप कितने बजे बैठे थे ट्रेन में? मैं सुबह 6 बजे बैठी थी। अच्छा, हाँ जी सही है। चलो भगवान जी जो आपकी मनोकामना है वो पूरी करे। हाँ, और आई विश की जो भी लोग वहाँ पे जाए सबकी मनोकामना पूरी हो, सबको राम जी बुलाए हमारी तरह जैसे हम लोग जा रहे हैं आज। और देखो हमने इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाया है। अच्छा, तो मैंने भी पहली बार इस ट्रेन में सफ़र किया, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे साफ सफाई देख के। हाँ, और खाना भी पहली बार इतना टेस्टी मिला मुझे, और बहुत अच्छा लगा। फ्लाइट वाली फील आई क्योंकि ऐसे सीट वगैरह फ्लाइट में ही होते थे। अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है, जाने में भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से जा रहे हैं और तो दर्शन हो जाए अच्छे से। मंदिर के बारे में मतलब आपका क्या कहना, मतलब कैसा लग रहा है? वो तो हम मंदिर जाके पता पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो सिर्फ फीलिंग है। ठीक है मैम, धन्यवाद, आप खाना वाना खाएं। और बस सो फ्रेंड्स, अभी 1:20 हो चुके हैं और लंच का टाइम हो चुका है। तो लंच में हमें मिला है मिक्स वेज है, और ये चावल है, दाल और पनीर, मटर पनीर है, और ये स्पंज पहली बार मैं खाऊंगा, और ये दही है। खाना काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल घर वाला फील आ रहा है, जैसे घर का बना खाना है वैसे खाना लग रहा है। और इस तरफ सभी लोग खाना वाना खा रहे हैं, तो खाना खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। फर्स्ट टाइम मैं किसी ट्रेन के वॉशरूम में आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, और यहाँ पे आने के बाद काफ़ी जो है साफ सफाई का ख्याल रखा गया है, और इस तरफ सैनिटाइजर है, और ये देख सकते हैं लॉक, और ऊपर पूरा नीचे तक जो है ग्रीन व्यू है। नेक्स्ट स्टेशन अयोध्या कैंट। अयोध्या पहुंच चुके हैं, तो ये हमारी ट्रेन थी वंदे भारत, और बहुत अच्छा सफ़र रहा। तकरीबन जो है वो 2:00 हुए और अभी हम अयोध्या धाम पहुंच चुके हैं, और फर्स्ट टाइम मैं अयोध्या आया हूं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा हूं। तो अभी जो है वो आप लोगों को अयोध्या धाम के दर्शन करवाएंगे। ये है अयोध्या कैंट स्टेशन, और स्टेशन से हम बाहर आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। गाइस, अभी दोपहर का समय है, और देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है अयोध्या कैंट स्टेशन, और बहुत बढ़िया लग रहा है राम जी की पावन धरती पे आकर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा, मतलब क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सपोर्ट करना, ताकि मैं और वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। क्या बात है जी, बहुत ही कमाल का वीडियो था हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाई का। तो विनय कपूर जी अयोध्या धाम पहुंचे, और पहुंचे किस पे? वंदे भारत ट्रेन में। और आज हमें एक दफा फिर से वंदे भारत ट्रेन देखी, बहुत दिनों के बाद, कमाल लगी। और ऐसी ट्रेन के साफ सुथरी और अमेजिंग खाने पीना रुकना स्टेशन यार कमाल है। हर एक स्टेशन खूबसूरत तरीके से बना हुआ था, और जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि साफ सफाई का बहुत ख्याल रखा है। और ये ट्रेन दिल्ली से जा रही है अयोध्या धाम, और यहाँ पे जाएंगे यात्री और जय श्री राम के नारे लगाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, और भजन चले गाए जाएंगे उसमें। और क्या, क्योंकि इसमें टाइम का पता ही नहीं चलेगा, लोग
कि कैसे गुजर कैसे गुजर गया। बिल्कुल ऐसे ही आप ये देखे कि सुबह उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया, दोपहर को उन्होंने लंच दिया, और वो ऐसे मुझे तो ऐसे ही लग रहा था जैसे प्लेन के अंदर नहीं वो सहूलतें दी जाती है प्लेन के अंदर प्लेन ही वो बोली ना खाना साफ सुथरा साफ सुथरा। और ट्रेन चल रही है 150 की स्पीड पे, पता नहीं चल रहा वो तो हमें भाई ने बताया था भाई चाहे उसमें से भाप निकल गई गरम गरम चाय वो हिल नहीं रही थी ना यार वो भाई ने बताया कि भाई ट्रेन चल रही है ट्रेन चल रही है हमें हमें ट्रेन अभी चली नहीं अभी लेकिन वो ट्रेन चल रही थी पाकिस्तानियों तुम्हारे तुम कौन सी वो एक चीज ले लो 1947 के मजे क्या यार जाता था यार। आज हमारे भी यहाँ फैसलाबाद से जा रही होती अयोध्या के लिए एक ट्रेन जो दिल्ली से गुजर के चले हम दिल्ली पे ही उतर जाते लेकिन जाते तो वंदे भारत पे मजा लेते आनंद लेते लेकिन क्या यार चले कोई नहीं आप लेकिन चीज ये है कि जब ऐसे जो है ना वो जाते हैं काफले जाते हैं उनके साथ जब यात्राएं जाती हैं उनके साथ जाने में अपना ही मजा है और नारे लगाए जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ बातें की जाती हैं और सफर का मजा अपना ही है और ऊपर से फिर वंदे भारत जैसी ट्रेन हो उसके तो फिर क्या कहने सोने पे सुहागा है और बेहतरीन चीजें देखिए सहूलतें देखिए यार सारी चीजें ठीक है समझ में आती है पाकिस्तान बन गया वो भी ठीक है पाकिस्तान उसके बाद जो हमारे आपसी रिलेशन हैं ये खराब नहीं होने चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे जैसे यूरोप में आज सरहदों का पता ही नहीं चलता हमारी सरहदें भी इसी तरह से होती तो यकीन माने लाइफ का मजा ही कुछ और होता। आज ये जो हम देखते हैं भारत की तरक्की तो कहीं ना कहीं दिल थोड़ा सा उदास जरूर होता है कि हम ये सब क्यों कुछ क्यों ना कर पाए और खास अपने जो एक भाइयों से एक इतनी बड़ी जो संख्या में जो हिंदुस्तानी पीपल हैं उनसे हम क्यों इतना दूर हुए और दोबारा से वो बहुत दूर नजर आता है कि हमारे जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो कभी बहाल हो। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे एक और वीडियो में तब तक के लिए